माउंट आबू देश का पहला सुकन्या समृद्धि योजना शहर बना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में माउंट आबू को सुकन्या समृद्धि योजना शहर घोषित करने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद देवजी भाई पटेल ने डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में घोषित सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माउंट आबू में 70% कन्याओं के खाते खोले जाने पर शहर अनेक कार्यकर्ताओं का कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सिरोही जालौर के सांसद देवजी भाई पटेल, समारोह के अध्यक्ष समाराम गरासिया, होटल उद्यमी गीता अग्रवाल, मानिक भाई जोशी एवं सिरोही पाली के डाक अधीक्षक मनीष कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर माउंट आबू पोस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जिन्होंने माउंट आबू समृद्धि सुकन्या शहर घोषित करने में विशेष भूमिका निभाई। और उसी प्रोग्राम के उपलक्ष में हमारे बीच में सम्मानीय समाराम जी विधायक आबू पिंडवाड़ा, सम्मान्य टेकचंद जी भम्बाणी साहब, बेटी जब जन्म लेती थी तब से माँ बाप की एक चिंता शुरू हो जाती, बड़ी होगी शादी करनी है। और कई बार एक पुरानी कहावत थी, शायद जो वरिष्ठ है उनको पता होगा, कि बेटी को जो पुराना रिवाज था ना उसमें था कि घी कम देता। मारवाड़ी हमें आ गया, हमें आ गया, और 100 ग्राम घी हलो देता, करता कि नहीं करता सर? अरे सभी आंगनवाड़ी से आए हुए कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, सभी श्रोतागण को मेरा नमन है। आज ये बहुत बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट की एक बहुत बहुत सुंदर और समृद्ध योजना है, जिससे कोई भी लड़की वंचित नहीं रहेगी कि मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ है, या फ्यूचर में गवर्नमेंट से जो भी कोई लाभ मिलते रहेंगे वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो ये तो हमने बहुत छोटा सा काम करा है देकर के, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको जो योजना जो लागू मोदी जी ने की है कारगर साबित पूरे भारत वर्ष में हुई है। ये आबू पर्वत पर देखा जा रहा है, क्योंकि हम भामा साहब की वजह से और एमपी साहब के जागरूकता के कारण आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों में जागृति कम है, लेकिन फिर भी मैं आबू पर्वत में आज देखा जाए तो 100% तो जिस प्रकार से राज्य आप बताइए कि किस प्रकार से सर ये योजना जो है माउंट आबू में अब 100% होने जा रही है सुकन्या योजना, और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया था उसमें सफलता मिली? सर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये स्कीम 2012 में लागू की गई थी, तो उनका यही मोटिव था, यही उद्देश्य था कि जो हमारी बालिकाएं हैं उनको पूर्ण शिक्षा मिले, उनका जो पूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय डाक विभाग और बाकी अन्य दूसरे बैंकिंग सेक्टर के जो है संस्थान है वो इस महत्वपूर्ण योजना पे लगातार काम कर रहे हैं। 2012 से लगातार काम हो रहा है और हर बालिका तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कड़ी में आज जब माउंट आबू शहर है ये पूरा 100% सुकन्या शहर घोषित होने जा रहा है, तो ये बड़े हर्ष का विषय है। और इसमें यहाँ पर जो माउंट की जो जनता है और क्या नाम है यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के डाक विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ की जनता है, उनका पूर्ण सहयोग रहा है। और ये एक सकारात्मक सोच है जो कि एक समाज में एक अच्छी बालिकाओं के प्रति बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश करने वाली है। भविष्य में भी ये योजना कायम रहेगी और बालिकाओं के लिए भारतीय डाक विभाग प्लस जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनता है, उनसे ऐसा ही सहयोग मिलने की आशा रहेगी। और ये योजना बहुत बहुत सफल